नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट खासकर चिराग पासवान की पार्टी की। चिराग इन दिनों लगता है संकट में दिख रहे हैं, और संकट से निकलने का वो प्रयास भी कर रहे हैं। उसके लिए अपने क्या कहें, जो अपने दोस्तों को सिपहसालारों को भी लगा रखा है, लेकिन लगता नहीं है कि वो संकट से निकल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की नाराजगी है, उस तरह से लगता है जो चिराग पासवान की पार्टी कहें जो एक तरह से संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि कहें जो 24 तारीख को अचानक से। और आपको पहले हम उससे पहले एक दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखाते हैं जो किस तरह से दिलीप जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाकर मिलते हैं पशुपति कुमार पारस से, जो कि चिराग के चाचा हैं, और उस चाचा से चिराग की एक तरह से कहें दुश्मनी है, उस चाचा को देखना तक नहीं चाहते हैं। वहाँ मिलते हैं, मिलने के बाद वहाँ कार्यालय में एक घंटा बैठते हैं, वहाँ के सारे स्टाफ से मिलते हैं। अचानक से पारस से मिलना ये अपने आप में कहें जो एक तरह से बहुत ही अनोखी बात हो गई, क्योंकि जिस पारस के पार्टी के एक खास सेनापति को एक दिन पहले ही बीजेपी में ज्वाइन कराया गया था तरारी सीट के लिए, कहा गया था जो पारस की पार्टी के वो सेनापति हैं, हथियार हैं उनके, उनको एक दिन पहले बीजेपी ने तोड़ा, और दूसरे दिन फिर पशुपति कुमार पारस से मिलने जाते हैं दिलीप जायसवाल। कल एक तस्वीर फिर वायरल हुई है जो अमित शाह से मिले हैं प्रिंस राज और क्या कहें पशुपति कुमार पारस। तो अचानक से पशुपति कुमार पारस की महत्व जो है वो एनडीए में बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी लोग जानना चाहेंगे। इसके पीछे की बात यह है जो क्योंकि चिराग पासवान ने कहें जो हर ऐसे बिल पर या हर ऐसे बात पर एनडीए ने जो लाया है, जो वर्तमान सत्र जो समाप्त हुआ है, उसमें ठीक है विरोध तो सभी ने किया, क्योंकि चाहे लेटरल वाली नौकरी हो या कोटा में कोटा या सुप्रीम कोर्ट वाली जो जस्टिस है, क्योंकि उसमें जो आदेश था जो कोटा में कोटा के तहत, या कहें जो बिहार के आरक्षण में जो बढ़ा हुआ आरक्षण को हाईकोर्ट ने जो वापस किया, उसमें भी उन्होंने विरोध किया। लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी की नाराजगी है वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उसको लेकर के भी चिराग पासवान नाराज हो गए। उन्होंने भी ऐसे कहे जेडीयू के हाँ में हाँ मिला लिया। जेडीयू ने शुरू में उसका स्वागत किया था, लेकिन बाद में जेडीयू की तरफ से विरोध हो गया। लेकिन ठीक है, जेडीयू के जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो बिहार में मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, मुस्लिमों की वोट की उनको आशा रहती है, लेकिन बीजेपी का मानना है जो जिस वोट बैंक पर चिराग पासवान का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्यों विरोध किया। और हमको लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी है, पहली और दूसरी पारी में कोई ऐसा बिल नहीं था जो जेपीसी में गया। एकमात्र वक्फ बोर्ड का बिल केवल एनडीए के अंदर ही के लोग इतना विरोध कर दिए, जिस कारण से वो बिल जेपीसी में गया, और इसको लेकर के बीजेपी की और एनडीए की नाराजगी है, और जिसकी नाराजगी का खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ तक 24 तारीख की बात है, 24 अगस्त को अचानक शाम में हल्ला हो गया जो चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो रही है। शाम में ये खबर आई, 6:15 के आसपास ये खबरें आने लगी कि उनकी पार्टी के 3 सांसद टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। आनंद फानंद में लगभग 8:30 के आसपास जो कहें जो चिराग पासवान के आवास पर जहां पार्टी का कार्यालय भी है, वहाँ पे आनंद फानंद में सभी सांसदों की बैठक हुई प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे जो किस तरह से 24 अगस्त को बैठक होती है। 25 अगस्त को क्योंकि वो झारखंड में कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करनी जरूरी थी, क्योंकि चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था, तो वहाँ उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। फिर शाम में इसकी घोषणा हुई जो चिराग पासवान फिर बन गए लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वैसे ही स्थिति में 25 को ये हुआ, और 26 तारीख को जब ये बात सारी आ गई बाहर में, पटल पे आ गई, सोशल मीडिया पे आ गया जो चिराग पासवान से बीजेपी नाराज है, चिराग पासवान की पार्टी टूट रही है, तो वैसी स्थिति में 26 अगस्त को जो उनके सांसद हैं अरुण भारती, जो कि इनके संबंधी भी हैं, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना था, वहाँ पर पत्रकारों को अपनी बात कहनी थी जो किस तरह से वो एकजुट हैं, वो एनडीए में हैं, कहीं कोई पार्टी में टूट नहीं होने जा रही है, चिराग पासवान हनुमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इन सब चीज़ों को
वो सारे पत्रकारों के बीच में वन टू वन करके उन्होंने दिया, इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारे जगहों पे सोशल मीडिया पे चली भी। तो इसके बाद ये 24, 25, 26 का है, आज 27 तारीख है, तो आज एकदम शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चाएं कल से जब अमित शाह से जब प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई है, फिर कहें जो चिराग की पार्टी में अंदर खाने से खबर आ रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और उसको समेटने के लिए चिराग पासवान एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, जो उनके जो सांसद हैं उनके साथ लगातार रहें। हमको लगता है जो कहीं वो निगरानी कहीं अपने सांसदों को सीसीटीवी कैमरे में के तहत न कहीं रख दें, क्योंकि जिस स्थिति से पिछली बार जो देर रात जो उनकी पार्टी टूटी थी, चाचा सबको लेकर निकल गए थे और चिराग पासवान को पता भी नहीं चला, टूटने के बाद पता चला जो उनकी पार्टी में टूट हो गई है, सभी सांसद पांच में से चार चले गए थे और एकमात्र चिराग बच गए थे, तो उसी तरह से हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले, क्योंकि एनडीए में चिराग की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है जो शपथ ग्रहण के समय थी। शपथ ग्रहण से और आज के समय में बहुत सारा गंगा में पानी उफान पे है, गंगा में पानी बहुत बह गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें रोज हो रही है। और आपको ये बता दें जो हो सकता है चिराग पासवान का जो सब्स्टिट्यूट हो बिहार की राजनीति में, दलित राजनीति में, कहीं बीजेपी जीतन राम मांझी को ना आगे कर दे दलित राजनीति में, और सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर जीतन राम मांझी आते हैं तो ये जीतन राम मांझी के कद के लिए और अच्छा है। ठीक है, कद तो उससे भी उनका बड़ा है, अभी उनका भी स्ट्राइक रेट अभी 100% है और अच्छा मंत्रालय भी मिला है, काम भी कर रहे हैं, बिहार आते भी हैं, लगातार दौरे पर भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी इनका सब्स्टिट्यूट न बन जाए एनडीए में दलित राजनीति के लिए, और एक तरह से कहें जो चिराग को अपना डैमेज कंट्रोल करने में अभी समय लगेगा, और क्या पता डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। लेकिन चिराग की स्थिति इन दिनों, चिराग पासवान की पार्टी, चिराग की स्थिति ठीक है, चिराग पासवान की पार्टी का एनडीए में अब क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा, क्या वो कैबिनेट में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी रहती है कि नहीं रहती है, वो आगे आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।